हेलो दोस्तों, सो आई होप आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया होगा कि हम कौन सा एडिशन कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे, स्ट्रैटेजी हमारी शंकर आई इसकी, ठीक है। तो उसको नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वो देख लीजिएगा। और हाँ, आप बोलोगे मैम वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आई डू अग्री, क्योंकि कोरोना वायरस करके यूट्यूब ने सबकी ही वीडियो क्वालिटी कंप्रेस की हुई है, तो हमारी भी हाफ हो गई है। तो मैं सॉल्यूशन कैसे इंक्रीज़ करें, आप मैंने ही खुद की वीडियो बनाई, जो एक 1 मिनट की वीडियो है वो आप कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ईजिली हो जाएगा। वीडियो क्वालिटी बढ़ के 480p में आपको दिखेगी क्वालिटी, ठीक है। तो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी, ठीक है। तो भाई इकोलॉजी का सबसे पहले हम इको को ही तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसकी दो डेफिनेशन बताई जाती हैं। सबसे पहला है इको इकोलॉजी को, एक तो होता है इको प्लस लॉजी, ठीक है। लॉजी का हमेशा मतलब स्टडी ही होता है, ठीक है। जैसे लॉजिक, क्या लॉजिक है भाई इसके पीछे, ठीक है। तो लॉजी मीन्स स्टडी एंड इको मीन्स प्लेस टू लिव इन, ठीक है। होम, घर या फिर प्लेस जहाँ पे कोई भी इंसान रहता है, इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये दो बंदे हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप इज इकोलॉजी, ठीक है। या फिर जैसे मैं हूँ या कोरोना है, मेरे बीच का रिलेशन इज ऑल्सो इकोलॉजी, या फिर इन दोनों का प्लस जो इनके आसपास की इन्वायरमेंट है या जिसमें ये रह रहे हैं, इनका पूरा इंटरेक्शन इज ऑल्सो नॉन एज इकोलॉजी, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है इकोलॉजी की, ठीक है, कि भाई वो कैसे अडाप्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ, कैसे जो मिनरल साइकिल है उसका यूज़ कर रहा है, वहाँ पे एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे की बात है। तो हिस्ट्री क्या है इकोलॉजी की, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री में भाई जब से मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से ही ये मतलब इकोलॉजी भी चालू हुई है, ठीक है। तो जब से ही हमने पढ़ना चालू किया, क्योंकि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आई तभी इकोलॉजी, हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने लगे और फिर हमें पता चला ओ ये तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे जो इंडियन एंशियंट टेक्स्ट हैं, ठीक है, जैसे ये ब्रह्मानस, ये आर्यंकास, उपानिषद्स, वेदास, इन सब में मेंशन है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। तो इन सब में मेंशन है इंडियन ट्रीटाइज ऑन मेडिसिन जो चारक संहिता है, ठीक है, जो उस टाइम की, एंड सर्जिकल टेक्स्ट जिसमें सुश्रुत संहिता है, ठीक है। चारक संहिता मेडिसिन की है, चारक एंड सर्जरी से रिलेटेड है सुश्रुत संहिता, तो उसमें भी इसका खासा मेंशन किया हुआ है, ताकि जिसमें गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इकोलॉजी बताया गया, क्योंकि पहले के टाइम में तो जड़ी बूटियाँ और औषधियों से ट्रीटमेंट करते थे लोगों का, ठीक है। तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है हमारी वेलबींग को, ठीक है, एंड वेलबींग एंड ऑल्सो यू कैन टर्म एज डिवास्टेशन अगर आप नेचर पर बर्डन डाल रहे हो। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैं अब आपको खास अंडरलाइन करवा दूँगी जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी इज़ वेरी जनरल थिंग, ओके। देन इन्वायरमेंट एंड इट्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट है और इसके कॉम्पोनेंट के बारे में देख लेते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट मतलब सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जो भी भाई लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है जो रह रही हैं, ठीक है, जो हम जो इन्फ्लुएंस करता है इवेंट को। मान लो मैं एक हूँ, ठीक है, मेरे आसपास कुछ भी, मान लो मेरे आसपास की आंधी तूफान आने लग गया, ठीक है, आंधी तूफान आने लग गया और कहीं पे पत्ते उड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे चिड़िया उड़ रही हैं, मतलब इतना तेज आ गया, तो ऐसे वो लोग हो गया। तो मेरे आसपास की इन्वायरमेंट में क्या है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, लिविंग में चिड़िया है, नॉन लिविंग में मान लो पेड़ का पत्ता टूट के गिर गया, नहीं, नॉन लिविंग में दूसरी चीज़ें, जैसे मान लो बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, विंड्स चल रही हैं, तो ये वाली चीज़ें जो एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं उसे उसकी इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंड होता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म लगा लो, चाहे वो वायरस हो या वो इंसान हो, ठीक है। तो फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन और शेल्टर के लिए वो डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट पर, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के दो कॉम्पोनेंट है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग कॉम्पोनेंट एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट कहीं का भी स्टैटिक नहीं होता और ये चेंज होता रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन्वायरमेंट को किसी भी इंडिविजुअल के, दैट कीप्स चेंजिंग। तो कंपोनेंट्स क्या हैं ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस दे रखा है, तो मैं आपको बताई देती हूँ कि बायोटिक मतलब लिविंग क्रिएचर, जैसे ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, जिसमें भी जान है, जो आप ये मान के चलो, ठीक है, जिसमें भी, जो भी जैन धर्म का बोला गया कि भाई जिसमें बोलते हैं कि भाई ऐसे तुम्हें मतलब उसको चोट नहीं पहुंचानी, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा, जिसमें पैरासाइट्स को भी हानि नहीं पहुंचानी। और नॉन लिविंग में क्या, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, दिस ऑल थिंग्स, आगे ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, तो टेंशन मत लो। फिर देख लेते हैं, जैसे फिश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
फिश है, तो कोई भी चीज़ में, एक तो मान लो मछली है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है फिर भी बना देती हूँ, ये मछली है, ठीक है, एक इसकी अंदर की इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये इसके अंदर की इन्वायरमेंट है जिसे इंटरनल इन्वायरमेंट बोलेंगे, IE, एक इसकी बाहर की इन्वायरमेंट है यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें क्या होगा, पानी ढेर सारा, दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे प्लैंकटन होंगे या बड़ी मछली होगी, ठीक है, तो वो वाली चीज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स उसके पेट में गैस तो नहीं बन रही, ठीक है, तो उसका पाचन वाचन ठीक हो रहा है या नहीं, ठीक है, सांस कैसे आ रहा है, ब्लड फ्लो कैसे चल रहा है, वो उसके अंदर की इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो ये दोनों ही डिपेंड करेंगी कैसे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो सारी चीज़ें वो डिसाइड करेगी दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एक्सटर्नल में पढ़ लेते हैं क्या है, लाइट कैसी आ रही है वहाँ पे, ठीक है, कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, टेम्परेचर कितना है पानी का, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन कितना है, सैलिनिटी कितनी है, बायोटिक, ठीक है, ये तो मान लो उसकी एबायोटिक कॉम्पोनेंट हो गई उसके इकोसिस्टम के, उस फिश के इकोसिस्टम के, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स कौन से, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस जैसे प्लैंकटन हो गया, बड़ी मछली हो गई, ठीक है, दूसरे डिकम्पोजर्स हो गए, तो इनकी प्रेजेंस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। देन इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगी, जो उसके अंदर का है, ठीक है, उसके पेट में गैस तो नहीं है, ठीक है, इंजरी नहीं है, इलनेस नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस है, अगर वो है तो वो उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को डिसरप्ट करेगा, उसकी ब्लड फ्लो को डिपेंड करेगा, उसके हॉर्मोन्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड इफ़ मेराइन फिश इज़ ट्रांसफर टू फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्यों बोला है, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि भाई पानी की क्या आदत होती है कि मैं जहाँ ज़्यादा हूँ और जहाँ ज़्यादा से मैं कम जगह पे जाऊँगा, ठीक है, तो ये ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर फ्लो करता है, ठीक है, तो जो मेराइन वाटर की मछली है उसे आदत है खारे पानी में रहने की, ठीक है, सॉल्टी वाटर में रहने की, फ्रेश वाटर में जाएगी तो जो उसके शरीर के अंदर पानी कम होगा, ठीक है, तो बाहर का पानी अंदर चला जाएगा और वो मछली फट के मर जाएगी, तो ये वाली सिचुएशन होती है जब मेराइन को फ्रेश वाटर में डालते, ठीक है, और अगर फ्रेश वाटर फिश को मेराइन में डालेंगे तो क्या होगा, वो सूख के काटा हो जाएगी और मर जाएगी, तो ये डिफरेंस होता है। देन इज अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, ठीक है, आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, सबसे बेसिक है इंडिविजुअल, फिर है पॉपुलेशन, ठीक है, एक इंडिविजुअल होएगा वही पॉपुलेशन बनाएगा, ठीक है, अपनी ही सेम तरह की स्पीशीज़ का, तभी तो हम सेंसस वगैरह करते हैं, ठीक है, सेम ही पॉपुलेशन के, ये तो नहीं बोलते कि तुम्हारे कंपैरिजन में वायरस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन काउंट करते हैं, बैक्टीरिया की करें तो बैक्टीरिया की करें, मिक्स नहीं करते, ठीक है, तो इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम, सो दीज आर द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल, सबसे छोटा, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स एक इंडिविजुअल है, वो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोरोना कह रहा भी मैं कोरोना हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे बड़े भाई हैं सार्स मर्स जो पहले तबाही फैला के चले गए, ठीक है, तो इंडिविजुअल एक छोटा और फिर पॉपुलेशन में बड़ा आ जाता है, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स वैसे ही है, उसमें एक ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स के से भी बना हो सकता है या अदर पार्ट्स जैसे बैक्टीरिया वायरस तो दूसरे कंपोनेंट से बने होते हैं, उनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, बैक्टीरियोग्लाइकन की होती है, डिफरेंट थिंग्स की होती है, ठीक है, तो इंडिविजुअल एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स है, पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ सेम स्पीशीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पकड़ेगा UPSC, सेम स्पीशीज की डिफरेंट, मतलब सेम स्पीशीज का एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो, आदमी है तो आदमी है, ठीक है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ही है, वायरस है तो वायरस ही है, दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है, आप ऐसे याद करके चल सकते हो कि भाई पॉपुलेशन क्या है, कि भाई सेम स्पीशीज होनी चाहिए, एक डिफाइंड एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालते हैं, बैक्टीरिया और वायरस का तो नहीं निकालते कि भाई कितने बैक्टीरिया की बजाय कितने वायरस बढ़ रहे हैं, नहीं, पॉपुलेशन जैसे ह्यूमन मतलब अपना सेंसस करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, डेसिनियल सेंसस जो होता है ह्यूमंस की पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं, तब आप क्लिक करोगे कि भाई सेम स्पीशीज का होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस का कर रहे हैं, एक एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम में आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे ये हम डेफिनेशंस चॉक आउट करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट टू डिफरेंट टाइम्स, जैसे 1990 में कितने थे, फिर 2000 में कितने थे, फिर 2010 में कितने थे, अब 2020 में कितने हैं, ठीक है, डिफरेंट टू डिफरेंट टाइम्स में जितने एग्जिस्ट करते हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है हमारी, तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं, कि कितना वेरिएशन हुआ बिटवीन टू डिफरेंट टाइम रेंजेस, ठीक है, एंड ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जैसे जापान वगैरह का नेगेटिव है ग्रोथ रेट, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन एज ज़्यादा कर रही है, हमारी पॉपुलेशन यंग है, वी आर एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, सो आर ग्रोथ रेट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, तो मेन फैक्टर्स जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ को करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत सिंपल होएगा पर आ सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कैसे हो सकते हैं, बर्थ रेट ज़्यादा है और इमिग्रेशन ज़्यादा है, इमिग्रेशन मतलब इन्फ्लक्स हो रहा है लोगों का, इमिग्रेट कर रहे हैं माइग्रेंट्स, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, और जो पॉपुलेशन डिक्रीज क्या कर सकता है, डेथ और इमिग्रेशन, एमी मतलब निकलना, इमी मतलब आना, सो आई होप यू गेट इट, दिस इज़ वेरी सिंपल,
तो मेन फैक्टर द मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आर एबायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो यहाँ भी पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, क्योंकि एक ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है उसका इन्वायरमेंट, ठीक है। और इन्वायरमेंट दो तरीक़ों से बना है, बायोटिक और एबायोटिक, तो पॉपुलेशन को भी तो अफेक्ट करेगा ना, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एरिया दे ऑक्यूपाई, ठीक है। तो रिलेशन है कि भाई एक पॉपुलेशन कितनी डेंस है, ठीक है। वही तो एक कमरे में आप 10 लोगों को बिठा दो और एक कमरे में 50 लोगों को बिठा दो, तो ये ज़्यादा डेंसर है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन और वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। सेम रूम है पर डेंसर ज़्यादा है, सो दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी। देन इज अबाउट कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, मतलब पॉपुलेशन से हायर लेवल है कम्युनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिटी में मोर देन वन स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, मोर देन वन स्पीशीज़, पर जो कम्युनिटी का नाम दिया जाता है वो डोमिनेंट स्पीशीज़ के नाम पे दिया जाता है। तो ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, डोमिनेंट स्पीशीज़, जैसे कि ग्रासलैंड कम्युनिटी है, ठीक है, उसको ग्रासलैंड कम्युनिटी बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि बरगद का पेड़ वाली कम्युनिटी, ठीक है। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी क्यों, क्योंकि डोमिनेटेड है बाय ग्रासेस, ठीक है, जिसमें हर्ब शर्ब्स छोटे पेड़, ठीक है, और वो उस तरीके के एसोसिएटेड जो लाइफ फॉर्म्स है वो, क्योंकि जिस तरीके के पेड़ होएगी उस तरीके की चिड़िया बैठेगी उस पे, ठीक है। तो इस तरीके की, तो उसे ग्रासलैंड कम्युनिटी बोला जाता है, ठीक है। तो कम्युनिटी में क्या है कि भाई प्लांट्स एनिमल्स हैं जो हार्मनी में रह रहे हैं लोग, ठीक है, जो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, वो एक कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फोटो में देख लो, इसमें तो एक, मुझे तो ये रिंडियर बारहसिंगा टाइप लग रहा है, ठीक है, एक ये लगा लो, फिर पॉपुलेशन बहुत सारे बारहसिंगा, फिर एक घोड़ा और एक बारहसिंगा और एक कुत्ता सब बैठ गए, ठीक है, पेड़ पे भी हैं, मंकी वंकी बैठ गए। फिर इकोसिस्टम में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ऊपर उड़ने वाली चिड़िया भी आ गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर बायोम तो बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर बायोस्फीयर आता है, ठीक है, फिर वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिटी इन मोस्ट इंस्टेंसेज आर नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट स्पीशीज, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कम्युनिटी इज नॉट फिक्स्ड और रिजिड, ठीक है, फिक्स रिजिड नहीं है। कल को दूसरे पेड़ वहाँ पे, वो मान लो पेड़ वाइप आउट हो गए, जंगल में आग लग गई, दूसरे पेड़ वहाँ पे ग्रो होने लगे, तो उनके नाम पे कर दी जाएगी, ठीक है। कोई ये नहीं, बाप दादा का राज नहीं है यहाँ पे होता है कोई कम्युनिटी में, ठीक है, फिक्स और रिजिड नहीं है। कम्युनिटी में भी लार्ज और स्मॉल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक छोटे से पॉन्ड में भी कम्युनिटी हो सकती है, और एक बड़े से आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की भी एक स्पेसिफिक को कम्युनिटी बोल सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी क्या है, दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मेजर एंड माइनर कम्युनिटी, ठीक है। तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे डिवाइस होता है इसका। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी मेजर एंड माइनर कैसे डिसाइड होता है, बेसिस ऑफ डिग्री एंड साइज एंड डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस कम्युनिटीज, ठीक है, कि भाई कितना साइज है उसका। मेजर कम्युनिटी का मतलब लार्ज साइज, हमने देखा कि किसी भी साइज की हो सकती है, रिजिड नहीं होती, ठीक है। लार्ज साइज, वेल ऑर्गेनाइज एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, मेजर है तो इंडिपेंडेंट होगी, अब वो किसी का दबाव क्यों मानेगी, ठीक है। तो मेजर है तो इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ सन एनर्जी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो सिर्फ सन एनर्जी पर, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मान लो नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो क्या, वो सन की एनर्जी, पत्ते वहाँ पे क्या है, पेड़ है, पेड़ है, किस पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे, ठीक है, क्योंकि वो मेजर कम्युनिटी है। नाम किस पे हो जाएगा, मान लो वहाँ पे कोई पेड़ डोमिनेंट है, उसके नाम पे नाम हो जाएगा उस कम्युनिटी का, ठीक है। तो उसको सिर्फ सनलाइट चाहिए, क्योंकि फिर इस पेड़ को हर्बीवोरस खाएंगे, ठीक है, जो पत्ते खाने वाले, फिर उनको कार्निवोरस खाएंगे, फिर उनको बड़े वाले कार्निवोरस खाएंगे, ठीक है। तो इससे ये सर्कल बन जाएगा, पर उसको मेजरली इनपुट क्या आया, सिर्फ पेड़ को ही चाहिए ना, बाकी तो सब अपना काम चला रहे, उस पे डिपेंड होके। सो दिस इज नोन एज मेजर कम्युनिटी। देन इज माइनर कम्युनिटी, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज, जिसको सोसाइटीज भी बोला जाता है, गली मोहल्ले वाली आंटियां, ठीक है। एक तो मेजर कम्युनिटी होगी, फिर यहाँ छोटी छोटी सोसाइटीज हैं जो इस कम्युनिटी पे, मेजर कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशंस विद इन द मेजर कम्युनिटी एज वेल, ठीक है, एंड दे आर देयरफॉर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउडंग पैड, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, काउडंग पैड मतलब गोबर कर दिया गाय ने, ठीक है। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स आर एसोसिएशंस ऑफ एल्गी, ठीक है, एल्गी प्लस फंगस, उसको लाइकन्स बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म बहुत बार यूज होएगा, तो ध्यान रखना एल्गी और फंगस के एसोसिएशन को। ये ऊपर एल्गी होता है जो खाना वाना बनाता है, ये नीचे फंगस होता है जो पानी वानी एक्सट्रैक्ट करता है यहाँ से, और ये खाना बनाता है, ठीक है। एल्गी मतलब मम्मी, फंगस वानी पापा, ठीक है, मम्मी खाना बना रही है, फंगस पानी लेके आ रहा है। तो ये लाइकन एसोसिएटेड होता है, और ये कहीं पर मिल जाए, कहीं पर किसी के अंदर, मतलब एक मान लो पेड़ वाला एरिया है, ठीक है, तो पेड़ वाला जो हमने अभी पिछला एग्जांपल लिया, उसमें कहीं लाइकन पड़ा है जिसमें गाय ने गोबर कर दिया, तो वो एक माइनर कम्युनिटी है जो डिपेंडेंट है इस पे, मेजर कम्युनिटी पे, एंड इट इज़ ऑफन नोन एज सोसाइटीज। सो दिस इज एग्जांपल। तो लाइकन का ध्यान रखना, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन को लाइकन बोलते हैं।
देन स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्पीशीज एंड साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है, या तो कम्युनिटी में एक स्पीशीज भी हो सकती है और सेवरल स्पीशीज भी हो सकती है। जब ज़्यादा दादागिरी करनी है वो तो भाई एक से एक ही स्पीशीज बांध के चलेंगे, और जो थोड़े हमारे जैसे मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी वाले हैं वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके चलते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो भाई हर जगह चिपका देना इनको, ये तो डिटरमाइन करेंगे ही कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होएगी उस कम्युनिटी की, उसके ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न कैसे होएगा, सबसे छोटे में कौन सा मतलब ऑर्गेनिजम्स आएगा, फिर बड़े में कौन सा, कौन प्राइमरी कंज्यूमर होएगा, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर होएगा। अभी ऐसे उर्दू में लग रहा होगा, थोड़ा आगे समझ आ जाएगा क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको कह रही हूँ मैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ कम्युनिटी इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न मतलब कैसे एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है, एक एरिया में कैसे एग्जिस्ट कर रही है एक कम्युनिटी, तो उसको स्ट्रक्चर कह रहे हैं। कौन सबसे तरले लेवल पे, फिर ऊपरले लेवल पे, फिर उससे ऊपर कौन है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न कहते हैं कम्युनिटी का, जो दिखाता है कि जो भी जिस तरीके के भी रोल्स हैं, ठीक है, जो वेरियस पॉपुलेशन, अब क्या है, एक होती है पॉपुलेशन, फिर बड़ी है कम्युनिटी, ठीक है, तो इसमें जो कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन रह रही है वो एक हर एक स्पीशीज़ की क्या रोल परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर होता है। मान लो पेड़ है सबसे नीचे लेवल पे, सबसे ज़्यादा नंबर में है, शेर तो एक ही होता है जंगल का, पर पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, तो पेड़ का रोल सबसे नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा उस पर लोग डिपेंडेंट हैं, तो ये स्ट्रक्चर होता है एक कम्युनिटी का, ठीक है। तो डिपेंड करेगा वहाँ पे किस तरीके की पॉपुलेशन, मान लो वहाँ पेड़ ही नहीं है, ग्रासलैंड है, ठीक है, तो वो ग्रासलैंड आ जाएंगे उस लेवल पे, ठीक है। तो कम्युनिटी अलग अलग तरीके की होती है डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन जो उसके अंदर रिसाइड कर रही है, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज एंड स्पेक्ट्रम किस तरीके की आपस में उनका इंटरेक्शन हो रहा है। सो आई होप स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी इज क्लियर। तो उसको कौन डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि भाई किस तरीके की कम्युनिटी होएगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर ठंड वाले हो गए वहाँ पे, ठीक है, तो उस वहाँ की कम्युनिटी इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी, ट्रॉपिकल वाले हैं तो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किस तरीके की कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगी, एंड पैटर्न किस तरीके का होगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ कम्युनिटी मेंबर्स। सो आई होप वी आर डन। देन इज अबाउट इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, तीन चीज़ें कर ली क्या, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ठीक है। इंडिविजुअल बता दिया क्या होता है, पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ वाले से लगा, मतलब एक तरीके की स्पीशीज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड स्पेसिफिक टाइम। कम्युनिटी बता दिया, मैक्रो एंड माइक्रो कम्युनिटी, ठीक है, दादागिरी वाला ध्यान रखना एग्जांपल, देन इकोसिस्टम पढ़ेंगे, बायोम पढ़ेंगे और बायोस्फीयर पढ़ेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं, फिर है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का भाई बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब आप पूछोगे मैडम बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये लिथोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर और ये बीच में क्या आ गया, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ बायोस्फीयर, ठीक है। अब आप बोलोगे मिक्सचर क्यों कर दिया मैडम, ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला रीजन, लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला रीजन, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला, तो इन सब में जहाँ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर में हवा में पंछी उड़ते हैं, ठीक है, उसको बायोस्फीयर, जहाँ जहाँ पंछी उड़ रहे हैं वो बायोस्फीयर हो गया, लैंड पे जहाँ जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो बायोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी में जहाँ जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बायोस्फीयर हो गया, सिंपल एज दैट। तो इकोसिस्टम का मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, मतलब एक बायोस्फीयर में ढेर सारे इकोसिस्टम होंगे, तभी तो उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला। हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन्स, तो मतलब एक न्यूरॉन्स मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ब्रेन बना रहे हैं इसका मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर एक बायोस्फीयर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम के बाद हम बायोस्फीयर बायोम पढ़ेंगे, ठीक है, बायोम बायोस्फीयर से छोटा है, छोटू बेबी है इसका, ठीक है, तो इकोसिस्टम जो का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगी बायोम बनाएगा, पर अल्टीमेटली दैट विल मेक अ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ध्यान रखना जहाँ पे एक लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो इट इकोसिस्टम में क्या होएगा, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, तो कम्युनिटी तो होगी प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट होगा जो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लांट, एनिमल, ट्रीज, ठीक है, तो कम्युनिटी एग्जिस्ट करिए तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स याद कर लो सारे, वो चिपका दो, ठीक है, प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे वाटर, सॉयल, ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज, ठीक है, बट ईच फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर वेरी करेगा, बहुत हद तक वेरी करेगा, ठंड वाले में अलग होगा, बारिश वाले में अलग होगा, पर फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर यही है हमारा इकोसिस्टम, और कोई नहीं है, ना बायोम, ना पॉपुलेशन, ना कम्युनिटी, इट इज बट इकोसिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसमें लिविंग बींग्स भी हैं और इन्वायरमेंट का भी इंटरैक्शन माना गया है, ठीक है।
एवरीथिंग जो भी एक इकोसिस्टम में रह रहा है वो डिपेंडेंट है ऑन द अदर स्पीशीज एंड एलिमेंट जो उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट है. ठीक है, एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी होगी जो उसका पार्ट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड हुए बिना नहीं रह सकता. एक दादा नहीं बन के रह सकता, नहीं भाई मैं तो किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, ना 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 डिपेंड तो होएगा. ठीक है, इफ़ वन पार्ट ऑफ एन इको सिस्टम डैमेज और डिसअपियर तो वो हर किसी पे इम्पैक्ट करेगा. तभी तो कहते हैं भाई इको सिस्टम बचाओ, इको सिस्टम बचाओ. एक पे इम्पैक्ट पड़ गया तो हर जगह इम्पैक्ट होगा. क्लाइमेट चेंज हो रही है, ओशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हर जगह इम्पैक्ट पड़ेगा. सो दिस इज थिंग. इको सिस्टम हेल्दी है तो हर चीज़ बैलेंस है और हर चीज़ अपना नॉर्मल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगी. इको सिस्टम एक छोटा सा छोटा सिंगल ट्री भी हो सकता है, क्योंकि एक ट्री पे एक चिड़िया भी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, उस पर मान लो कोई एपीफाइट, एपीफाइट मीन जो मतलब एक दूसरे ट्री पे जैसे कोई बेल लगा लो, बेल है ना जो ट्री पे चिपकी हुई है, वो अपने न्यूट्रिशन उससे डिराइव कर रही है, तो वो एपीफाइट भी है. ठीक है, तो हर तरीके का एक इकोसिस्टम में एक सिंगल ट्री भी हो सकता है और एक एंटायर फॉरेस्ट भी हो सकता है. छोटे से छोटा भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है. एक वाटर के ड्रॉपलेट को भी आप एक इकोसिस्टम मान सकते हो. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन क्राइटेरिया. डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम. ठीक है, अब इकोसिस्टम हम पढ़ चुके हैं कि भाई इकोसिस्टम क्या है, कि कहाँ पे जहाँ पे एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में इंटरैक्शन हो रहा है उसे इकोसिस्टम कहते हैं. ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है बायोस्फीयर का. इन्वायरमेंट क्या है, जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है और वो इसको सराउंड कर रही है. इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स. ठीक है, इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच का रिलेशनशिप. हमने सबसे पहले में स्टडी किया था. ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ विद इन देमसेल्स एंड विद द इन्वायरमेंट. सो दिस इज इकोलॉजी. सो आई होप तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए. देन इकोसिस्टम पढ़ लिया. ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट किसका है, बायोस्फीयर का. ठीक है, कॉम्पोनेंट्स क्या है, भाई एबायोटिक होगा, बायोटिक होगा, जो मैंने बताया था बाद में पढ़ेंगे वो यही है. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एबायोटिक. एबायोटिक मतलब ऑर्गेनिक, एबायोटिक में इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स. ठीक है, मैंने बताया था बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग. तो एबायोटिक में आ गया सॉयल, एयर, वाटर, दुनिया जहान की चीज़ें आ गई. ठीक है, तो केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ठीक है, एंड फिजिकल प्रोसेसेस भी आ जाएंगे, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, फ्लड्स वगैरह, ये सब आ जाएंगे. एबायोटिक फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स. जैसे क्योंकि एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स कल्ला ये तो नहीं बोल सकता मैं एग्जिस्ट कर पाऊंगा, नहीं, उसको इंटरैक्ट करना पड़ेगा. इंटरैक्ट के लिए उसको इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, मान लो यहाँ पे पहले लैंड था जिस पे ये बंदा जाता था. ठीक है, मान लो यहाँ पे फ्लड आ गई और यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो ये ऑर्गेनिजम्स तो यहाँ जा ही नहीं पाएगा. यहाँ जा नहीं पाएगा तो इसकी मान लो फूड की नीड्स पूरी नहीं होगी, रिप्रोडक्टिव नीड्स पूरी नहीं होंगी. ठीक है, तो वो दिक्कत आ जाएगी. ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि भाई ऑर्गेनिजम्स कैसे एग्जिस्ट करेगा एक एनवायरनमेंट में. ठीक है, ये एबायोटिक ही तो फैक्टर था जिसने डिटरमाइन किया कि यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए तो इसकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई. ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर को कम नहीं आंकना, बहुत चालू है ये. ठीक है, ऑल दो दीज फैक्टर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, वन सिंगल फैक्टर कैन लिमिट रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे कि मैंने यहाँ बताया, एक फैक्टर हिला के रख देगा एक ऑर्गेनिज्म को. तो ये बता रहे कि एबायोटिक फैक्टर्स आर ह्यूजली इंपॉर्टेंट. एनर्जी क्या है, एनर्जी फ्रॉम सन इज असेंशियल. ठीक है, एसेंशियल तो है, हमें पता है प्लांट्स हैं सन डायरेक्टली, क्योंकि अब एनिमल्स हैं, हम डायरेक्टली तो सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते, हम मुंह फाड़ के तो खड़े नहीं हो सकते आज भाई सन हमें एनर्जी दे और हमारी भूख मिट जाएगी. ठीक है, कोशिश करके देख लेना आधे घंटे सन के आगे बैठ जाना. नहीं, हम जब तक प्लांट्स नहीं खाएंगे जब तक हमारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो प्लांट्स उसको कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे तब जाके वो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा. तो एनर्जी इज़ रियली एसेंशियल. ठीक है, रेनफॉल भी ज़रूरी है क्योंकि पानी एसेंशियल है. जब हमने पढ़ा था कि ये हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, CO2 के क्लाउड्स बने थे. ठीक है, तब ये नीचे आई थी, पानी गिरा था, तब ओशियंस बने थे, तो रेनफॉल ज़रूरी थी. ठीक है, तब जाके हमारा हमारी जो एग्जिस्ट कर पाए, पहले साइनो बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरियाज आए. सो दिस इज़ द थिंग. तो वाटर, रेनफॉल इज़ ज़रूरी, टेम्परेचर इज़ ज़रूरी. ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, वो कहीं ग्रो करते कहीं नहीं ग्रो करते. एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है कि कैसे एक इकोसिस्टम चलेगा. ठीक है, सबस्ट्रेटम मतलब कि किस पे कोई चीज़ ग्रो हो रही है, सबस्ट्रेटा जिसे कहते हैं. ठीक है, तो लैंड भी हो सकता है, वो कोई भी एक्वाटिक प्लांट्स हो सकते हैं जो एक फ्रेश वाटर में उग रहे हैं, या कोई किसी का मैराइन वाटर सबस्ट्रेटा हो सकता है. तो सबस्ट्रेटम पे भी डिपेंड करता है एक इकोसिस्टम कैसे चालू करेगा. मटीरियल्स मतलब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड. ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो हमने बचपन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये जब मिल जाते हैं, इनकी चेन बन जाती है, ठीक है, तब बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक और हाईली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़े थे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये हमने पढ़े थे, इनकी जो इंटरेक्शन होता है तब मतलब चेन्स बनती है, कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, फलाना धकड़ा बॉन्ड, तब जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल अगर जो एल्कीन, एल्काइंस, ये वाली चीज़ें, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, उससे हमारी बॉडी एनर्जी डिराइव करती है और फिर हमारा बॉडी का फंक्शन चलता है। तो ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंस। देन लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड डिपेंड करेगा कि इकोसिस्टम कैसे चालू करेगा, ठीक है, क्योंकि लैटिट्यूड एक एरिया का टेम्परेचर डिसाइड करता है, ठीक है, क्योंकि वो पोलर भी हो सकता है, ट्रॉपिकल भी हो सकता है, टेम्परेट भी हो सकता है। होप वी आर वेल वर्स्ड विद लैटिट्यूड, ठीक है, 0 डिग्री, 23.5, 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हायर लैटिट्यूड होता है वाइल्ड लाइफ भी इन्फ्लुएंस होती है, पेड़ पौधे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ऊपर जाते जाते हैं तो कॉनिफेरस ट्रीज आ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की डाइवर्सिटी डिफरेंट होती जाती है। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स मतलब जहाँ पे हाँ हमने जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है उसके दो पार्ट्स थे, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। बायोटिक एबायोटिक हमने पढ़ लिया, लैटिट्यूड आ गया, सनलाइट आ गया, रेनफॉल आ गया, ठीक है, मटेरियल्स आ गया, सबस्टेटा आ गया। अब हम बायोटिक देख लेते हैं। बायोटिक मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब जीने वाली चीज़ें, माइक्रोब्स भी आते हैं इसमें, ठीक है, तो इसको फंक्शनल, जिस तरीके का वो फंक्शन प्रोड्यूस करता है उस मतलब कंट्रीब्यूट करता है उसके तहत उसको प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में डिवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो बना रहा है, कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूम कर रहा है, सिंपल एज दैट। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सबसे पहले, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी मतलब पहला, प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूस करने वाला, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ मतलब सेल्फ नरिशिंग, खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कौन है, हमारे पेड़, ठीक है, तो पेड़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एंड सर्टेन बैक्टीरिया एंड एल्गी, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया और एल्गी भी बहुत बार सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और दूसरों के लिए वो सब्सट्रेटम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो एल्गी भी हमें पता है, एल्गी भी प्रोवाइड करती है दूसरों के लिए, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। एंड ग्रीन प्लांट्स हैं तो ये सनलाइट से एनर्जी लेंगे और फिर वो चीज़ें बनाएंगे अपनी। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, तो वो रिवाइज हो गया कि भाई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को तो ये अपटेक करते हैं, ठीक है, जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की, वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लेते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, और फिर वो उनसे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एंड किससे, कार्बोहाइड्रेट और वाटर का यूज़ करके। तो हमने बचपन किया, मैं आपको याद दिला दूँ, CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा, C6H12O6, ठीक है, दिस इज़ ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज़ कार्बोहाइड्रेट, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये इनकी तो यूज़ से बनाएगा, ठीक है, पर बनाएगा किससे, सबस्ट्रेटा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, कार्बन, ठीक है, तो इन सबसे बनाएगा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऐसे काम करते हैं। वैसे ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, जैसे वुडी प्लांट्स हो गया, ठीक है, नहीं टेरेस्ट्रियल में तो मतलब जो लैंड वाला है वहाँ पे वुडी प्लांट्स होगा, और एक्वाटिक में जैसे एल्गी हो गया, प्लैंकटन्स हो गया, ठीक है, तो दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। देन इज अबाउट कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एंड कंज्यूमर्स मीन्स हेटेरोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स, जो सिर्फ मतलब खुद का वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब या हम लोग की तरह, तो कंज्यूमर्स मतलब दे आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, क्योंकि वो धूप के आगे मुँह खोल के खड़े हो जाएंगे तो सन उनको खाना नहीं देगा, उनको डिपेंडेंट है वो प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड दे, तो इनकी दो कैटेगरी है, एक तो माइक्रो कंज्यूमर्स और एक मैक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है, सेम एज दैट वो ऊपर वाला, माइक्रो कम्युनिटी एंड मैक्रो कम्युनिटी। तो मैक्रो कंज्यूमर्स क्या है, बड़े वाले कंज्यूमर्स, ठीक है, तो दे फीड ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स पे भी खाएंगे, एनिमल्स भी खाएंगे, जो भी उनको पसंद आएगा, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सिंपल एज दैट। हर्बीवोरस क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जैसे कि पेड़ लगा लो, पेड़ को किसने खाया, रैबिट ने, ठीक है, तो रैबिट क्या है, पहला है जिसने कंज्यूम किया, ठीक है, तो ये 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी को 1 डिग्री बोल रही हूँ, 1 डिग्री कंज्यूमर, ठीक है, फिर इसी रैबिट को एक वुल्फ ने खाया, ठीक है, तो ये 1 डिग्री था, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। कार्निवोरस का क्या मतलब है, जो ये वुल्फ को भी खा लेगा, मतलब लॉयन, तो ये 3 डिग्री कंज्यूमर्स, ठीक है, तो ये ऐसे चेन होती है, ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, और ये रैबिट पेड़ को खाएगा, ठीक है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, तो ये होती है हमारी फूड चेन, ठीक है। फिर होता है फूड वेब, वो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, पर ये बेसिक फूड चेन होती है। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो हर तरीके का खाते हैं, ठीक है,
प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे मैन हो गया, मंकी हो गया, ठीक है। तो मैक्रो कंज्यूमर्स पढ़ लिए। माइक्रो कंज्यूमर्स मतलब सैप्रोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स मतलब डीकम्पोजर्स या ऑस्मोट्रॉफ्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद करना, ठीक है। कहीं फिर पूछे मैं ऑस्मोट्रॉफ्स क्या होते हैं, बोलेंगे मैडम ने तो पढ़ाया नहीं। ना ना, पढ़ाया था। ऑस्मोट्रॉफ्स मतलब सैप्रोट्रॉफ्स मतलब माइक्रो कंज्यूमर्स। दे आर बैक्टीरिया एंड फंगी विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक मतलब वो एल्किन एल्काइन वाला, ठीक है। तो उसको डिकम्पोज करके जो डेड हो गया, मर गया, ठीक है, मतलब पेड़ का मतलब पत्ते होंगे बहुत सारे थे, वो झड़ गए, वो गिर गए, ठीक है। पर पत्तों में तो कार्बोहाइड्रेट भी होगा, क्योंकि पत्तों में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है असली में। तो वो जब फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, वहाँ पे ग्लूकोज स्टोर हुआ होगा, मतलब ग्लूकोज मतलब ऑर्गेनिक, कैलकुलेशन लगाओ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नीचे गिर गया, अब उसको डिकम्पोज करेगा कौन? हम ये थोड़ी डस्टबिन में उठा के फेंक देंगे और वो ठीक रहेगा। इसको डिकम्पोज करने वाले आएंगे, वो कौन है? हमारे बीएफ, बीएफ मतलब बैक्टीरिया और फंगस, वो आएंगे और इसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करेंगे तो इसको, ये इनिशियली ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से इसको इनऑर्गेनिक में तोड़ देंगे, ठीक है। मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको वही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिससे वो बना था, वही कहते हैं ना, कुछ नहीं रखा इस जीवन में, जो बनता है वो मरता है, ठीक है, एक विशियस साइकिल है। तो पहले उनसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना था, पर जब डिकम्पोज की बारी आई तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन गया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन सच एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज रिलीज्ड इन द इकोसिस्टम, ठीक है, रिलीज कर देंगे इसको, ऐसे थोड़े लेके भाग जाएंगे, एक बैक्टीरिया भाग रहा आगे आ गया, अरे मैं तो एक नाइट्रोजन को लेके जा रहा हूँ, फंगस के ये ले फॉस्फोरस तो ले जा मेरे साथ, नहीं, वो रिलीज कर देंगे इकोसिस्टम में, सॉयल में चला जाता है। दैट इज बेसिकली मिनरल साइकिल जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और फिर जो अर्थवर्म वगैरह है, जिनको डेट्रिटाइस फीडर कहते हैं, डेट्रिटिस मीन्स जो ये इस तरीके के लिटर पे वो करते हैं, फीड करते हैं जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के डिकम्पोजिशन में भी काम करते हैं और इसको रोटेट भी करते हैं। जब ये अर्थवर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि मान लो ये सॉयल है, तो ये एक सॉयल से निकल के इधर चला गया, फिर इधर चला गया, तो ये रोटेट करता रहता है सॉयल को। तो अर्थवर्म्स आर गुड, गुड फॉर फार्मर्स, ठीक है। आई होप वी आर डन विद दिस। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इको सिस्टम, इको सिस्टम दो तरीके का होता है, नेचुरल इको सिस्टम, ठीक है। नेचुरल इको सिस्टम में क्या आता है, एक टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला, जिसमें फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और डेजर्ट आते हैं। देन इज एक्वाटिक, जिसमें फ्रेश आएगा सेलाइन और मेराइन वाटर, ठीक है। तो और देख लेते हैं इको सिस्टम क्या है भाई, कैपेबल है इको सिस्टम क्या है। अरे भाई मैं अक्का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हूँ एक बायोस्फीयर का, तो मैं सेल्फ सफिशियंट हूँ, मुझे नहीं है किसी की ज़रूरत, ठीक है। उसमें हर तरीके के बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, मैक्रो माइक्रो कंज्यूमर सब कुछ है, ठीक है। तो ये कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे होम्योस्टेटिस बोलते हैं। होम्योस्टेटिस मतलब कि भाई वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा कम हो रहा है। देन गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, प्लांट है तो वहाँ पे फूड, फ्यूल, फाइबर प्रोवाइड करेगा। फिर शेल्टर, प्लांट की पेड़ काट के बना लो, बिल्डिंग मटेरियल बना लो। प्योरीफिकेशन ऑफ एयर वाटर प्लांट्स करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन जो सेप्रोटॉफ ऑस्मोट्रॉफ्स करते हैं, ठीक है। अर्थ क्लाइमेट को रेगुलेट करेगा, ठीक है, वहाँ पे पानी हो गया या प्लांट हो गया वो करेगा, ठीक है। मॉडरेशन करेगा फ्लड ड्रॉट्स का, ठीक है, मॉडरेट करेगा, जो पेड़ है वो रोक लेंगे कुछ हद तक, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी को रिजेनरेट करेगा और रिन्यू करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो ऑस्मोट्रॉफ्स सेप्रोट्रॉफ्स है वो मिनरल साइक्लिंग के द्वारा वो मिनरल को वापस उस सॉइल में भेज देंगे, ठीक है। पॉलिनेशन करवाएगा, ठीक है, जो वहाँ पे बीज होंगी एक इकोसिस्टम में, ठीक है, बीज वगैरह हैं वो करवा देंगे हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करा देंगे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, फिर वो फूल बनेगा, फिर वो फल बनेगा, फिर वो फल को हम खा जाएंगे। सो दिस इज़ अ विशियस साइकिल। देन इज़ अबाउट और क्या काम है, जेनेटिक रिसोर्सेज का, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक ब्रीड्स है उनके काम का चीज़ है, क्योंकि वहाँ वहीं से हम पेड़ों में से काट के लेंगे, वही तो खाते हैं ना वो। तो कल्चरल एस्थेटिक बेनिफिट्स, हाँ भाई सुंदर लग रहा है इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो कल्चरल और एस्थेटिक बेनिफिट्स के लिए भी हम इकोसिस्टम की फंक्शन है एक। देन इज अबाउट इकोटोन, इकोटोन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में देख लेते हैं। इकोटोन मतलब जोन ऑफ जंक्शन, जंक्शन है बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम। मान लो ये लैंड इकोसिस्टम और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है। एक्वाटिक में क्या आता है, मेराइन, फ्रेश वाटर, सेलाइन वाटर, हर तरीके का। तो जैसे ये लैंड खत्म होता है, एकदम तो नहीं है कि पानी स्टार्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन जोन को इकोटोन बोलते हैं, जहाँ पे हल्के हल्के प्लांट भी होंगे पर पानी भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसको इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज जोन ऑफ जंक्शन या ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू और मोर इकोसिस्टम, ठीक है। तो टू भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं मानना कि टू ही होगा, टू और मोर भी हो सकता है। सो दिस इज अ थिंग, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट इकोटोन बिटवीन मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल, क्योंकि टेरेस्ट्रियल से शुरू होने से पहले मैंग्रोव्स आते हैं, बड़े बड़े पेड़ आते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ इकोटोन, ठीक है। जैसे कि एस्चुरी आ गया, एस्चुरी क्या है कि भाई साफ पानी की नदी बह रही है,
फिर आगे समुंदर है तो वो एस्चुरी बन जाती है, और आपकी ज्योग्राफी से लिंक करो तो नर्मदा एंड तापी आर द रिवर्स विच फॉर्म एस्चुरीज। ठीक है, वी आर कर ली भाई हमने ज्योग्राफी भी रिवाइज। देन इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन। इकोटोन क्या है भाई, एक नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, उसकी मर्जी कुछ भी हो। ठीक है, इट हैज़ कंडीशन इंटरमीडिएट टू एडजेसेंट इको सिस्टम। ठीक है, जो उसकी ये जोन ऑफ टेंशन है, बहुत टेंशन है इसको रे, उस जैसा भी बनना है उसको, उस जैसा भी बनना है। ठीक है, बीच का है ये, ठीक है, तो उसको बहुत टेंशन है, तो उस जैसे भी मतलब उसमें हो सकती है कंडीशन, और दूसरे वाले जैसे भी। इट इज़ लीनियर एंड इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज। ठीक है, ये वाली जो यहाँ पे स्पीशीज हमारा लैंड है और ये एक्वाटिक है, ठीक है, तो ये लैंड वाली तो स्पीशीज कम होती रहेंगी और एक्वाटिक वाली बढ़ती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि जोन ऑफ टेंशन है, बहुत टेंशन है इसको। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं, एंड क्योंकि इसमें स्पीशीज चेंज होती रहेंगी और जो दूसरी वाली कम्युनिटी है उसकी स्पीशीज बढ़ती रहेंगी। जो वेल डेवलप्ड इकोटोन्स है उसमें सम ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इंटायरली डिफरेंट होंगे फ्रॉम एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। जैसे कि एक इको सिस्टम मतलब होंगी बहुत सारी वेल डेवलप्ड, इंटायरली डिफरेंट होंगी जो एडजॉइनिंग कम्युनिटी, मतलब यहाँ पे अलग तरीके की आएंगी कम्युनिटीज़, जैसे कि जिसे एज इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीशीज इन दिस जोन आर हायर देन ईदर कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे भी इतनी उनकी मतलब नंबर नहीं है और एक्वाटिक में भी नंबर नहीं है। जैसे कि बर्ड्स मान लो, यहाँ पे पेड़ थे लैंड में, एक्वाटिक में पेड़ ही नहीं है, पर यहाँ पे बीच वाले में बर्ड्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एज इफेक्ट मान लो, ठीक है, कि वहाँ पे एक उसकी बहुत ज़्यादा है एक कम्युनिटी की प्रेजेंस, सो दिस इज़ नोन एज एज इफेक्ट। एज मतलब बहुत ज़्यादा लिफ्ट मिल गया, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे टाइप्स वाला। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होएगा उस जगह पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का। सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट। ठीक है, और उनको जो एज स्पीशीज़ कहते हैं, जो जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ठीक है, देर इज़ अबाउट नीके। ठीक है, तो ये वही एग्जाम्पल है, इसको देख लेना आप। नीके का क्या मतलब होता है कि भाई एक इकोसिस्टम में एक बंदे की, मान लो मैं हूँ, तो मेरा एक यूनिक फंक्शनल रोल होना चाहिए। ठीक है, या वो मेरी जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये मान लो ट्रायंगल है, ये हायरार्की है, यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स है, यहाँ पे सेकेंडरी है, तो चलो हाँ मेरी जगह सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, तो उसको एक नीके बोलते हैं। नीके का मतलब एक रोल, ठीक है, एक डिफाइंड रोल या प्लेस ऑफ स्पीशीज एक इकोसिस्टम में, ठीक है, उसे नीके बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है जो भी उसकी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, केमिकल फिजिकल फंक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, वही ना निष्काम कर्मा। ठीक है, तो आप एक वही ना दायित्व निभाने आते हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो वो दायित्व जो निभाने आते हैं वो आपका नीके है। ठीक है, वो दायित्व आपका डिपेंड करेगा कि आपका नीके कौन सा होगा। ठीक है, अगर आप एक नंबर के बैक्टीरिया हैं तो आप पूरे पूरे ऑस्मोट्रॉफ्स कहलाएंगे, वो आपका नीके होगा, और अगर आप प्रोड्यूसर्स हैं तो आप प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। तो टाइप ऑफ नीके किस पर डिपेंड करता है, हैबिटेट नीके मतलब वेयर इट लिव्स। ठीक है, तो वो हैबिटेट नीके को डिफाइन करेगा। फूड नीके मीन्स व्हाट इट ईट इज ईट्स या डिकम्पोज करता है, जैसे कि ऑस्मोट्रॉफ्स। रिप्रोडक्टिव नीके मतलब कैसे और वो कब रिप्रोड्यूस करता है। फिजिकल एंड केमिकल नीके टेम्परेचर और किस लैंड शेप लैंड स्लोप पे वो एग्जिस्ट करता है, तो ये टाइप्स ऑफ नीके बताते हैं। सो आई होप वी आर डन विद नीके। देन इज अबाउट बायोम। ठीक है, तो भाई हमने क्या पढ़ लिया, इकोसिस्टम पढ़ लिया, अब हम बायोम पढ़ेंगे, फिर बायोस्फीयर, लास्ट बायोस्फीयर बायोम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है, इसमें यहाँ से यहाँ पे ड्राई है। ठीक है, जो यहाँ पे बायोम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये ड्राई से यहाँ पे वेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, एंड ये वार्म से कोल्ड की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये तो आप रट ही लेना क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है, तो ड्राई से वेट, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वार्म डेजर्ट आएगा, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट आएगा। ठीक है, उसी तरीके से बढ़ेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ग्रासलैंड्स में कम बारिश होती है। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट में ज़्यादा होएगी। ठीक है, फिर ये सवाना और पेरेरी कैसे याद करोगे, एसपी याद कर लो। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो एसपी। ठीक है, तो सवाना एंड प्रेरी। ठीक है, ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिक बता दूंगी, गंदे वाले ट्रिक होंगे मे भी, पर याद कर लेना जैसे तैसे भी। देन इज़ अबाउट कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, अब ऊपर जा रहे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कोल्ड डेजर्ट आ गया, फिर प्रेरी आ गया, एसपी तो हमने याद कर लिया, फिर टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसे कि भैया वेट होगा। ठीक है, तो ये कोल्ड डेजर्ट, यहाँ वाले ऐसे याद करना कि ड्राई भी तो होगा, कोल्ड डेजर्ट आएगा तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, पर ऊपर जाके टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। देन इज़ अबाउट बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट देख लेंगे क्या होता है। देन इज टुंड्रा एंड देट इज पोलर। सो आई होप ये कवर्ड हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, थोड़ा नीचे वाले में चार डिवीजन है। ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी 5 है। ठीक है, 5 है, इसमें 3 है, इसमें 1 1 1, ऐसे याद करके थोड़ा याद कर लेना, हो सकता है मतलब थोड़ा अच्छा है डायग्राम, मुझे अच्छा लगा देखने में। तो
जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, एक बायोस्फीयर का हमने क्या पढ़ा, एक बायोस्फीयर में एक टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है और एक एक्वेटिक पार्ट होता है, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है उसको न्यूमरस रीजन्स में वो डिवाइडेड होता है, जिसे बायोम्स कहते हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, कैसी एनिमल लाइफ है, कैसा सॉयल है, तो वो डिपेंड करेगा। आप बोलोगे एक्वेटिक वाला नहीं होता क्या बायोम, ना ना एक्वेटिक वाला नहीं होता, सिर्फ टेरेस्ट्रियल पार्ट है जो एक बायोस्फीयर का, उसे डिवाइड किया जाता है इंटू वेरियस रीजन्स जो बायोम कहलाते हैं। दो बायोम कभी भी एक जैसे नहीं होते, दिस इज कैन बी योर क्वेश्चन। दो बायोम एक जैसे नहीं होते, जो क्लाइमेट है वहाँ का वो डिटरमाइन करेगा कि यहाँ तक तो ये वाला बायोम है, आगे जाके ये दूसरा चालू हो गया। मान लो ये तरह टुंड्रा है, आगे जाके टाइगा चालू हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ये दोनों की बहुत ज़्यादा डिपेंड है कैसे बायोम बदलते हैं। तो देख लो भाई बायोम कितने हैं टोटल, अभी 7 है, ठीक है। एक्वाटिक जोन के भी पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो 7 हैं टोटल, तो मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा हल्का आइडिया दे देती हूँ इनका, क्योंकि हमने आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा ही होगा, तो इतना रिवाइज करने की रिवाइज रिवीजन फॉर्म में। तो टुंड्रा, ठीक है, जो मैं गंदी सी ट्रिक लगा के सुनती हूँ, तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। टुंड्रा मतलब हमने जो ट्राइंगल में पढ़ा था सबसे ऊपर में था, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो आइस बाउंड पोल्स के पास होगा टुंड्रा रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टुंड्रा है तो भाई लाइकन होगा, ठीक है। जो लाइकन्स वगैरह ठंडी जगह में बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो डिवॉइड ऑफ ट्रीज है, ट्रीज तो कहाँ होंगे, इतनी ठंड में कहाँ पेड़ आएगा भाई, उसको भी तो कोई टेम्परेचर की जरूरत है। टिपिकल एनिमल कौन होंगे, रिंडियर, आर्टिक फॉक्स, ठीक है। पोल्स के पास है तो आर्टिक सर्कल लगा के चलो, आर्टिक फॉक्स हो गए, पोलर बियर होगा, वहाँ पे सोना भी तो है पोलर बियर को, ठीक है। आर्टिक हेयर होगा। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आर ऑलमोस्ट एबसेंट। अब आप खुद सोच के चलो, आपकी घरों में छिपकली आती है सर्दियों में, नहीं ना गर्मियों में आती है, क्योंकि रेप्टाइल्स ठंड में नहीं सर्वाइव करते ज़्यादा। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एबसेंट होंगे कहाँ, टुंड्रा रीजन में, ठीक है। और ये कौन सा है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न मोस्ट रीजन्स एडजॉइनिंग द पोल्स, ये हमारी पृथ्वी है, ये पोल्स हो गए, पोल से थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन इज नोन एज टुंड्रा रीजन। सो आई होप टुंड्रा क्लियर है। देन इज अबाउट टाइगा, टाइगा रीजन के बारे में देख लेते, जो बोरियल फॉरेस्ट हमने टुंड्रा से नीचे पढ़ा था, दैट इज टाइगा। दिखा देती हूँ फोटो में, दिस इज बोरियल फॉरेस्ट, दिस इज नॉन एज टाइगा। तो टाइगा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। तो ऐसी पृथ्वी याद करो, ऊपर तो आ गया था हमारा टुंड्रा, फिर उससे नीचे टाइगा, ठीक है। तो टाइगा कौन सा, नॉर्दर्न यूरोप, एशिया, जो ऊपर ऊपर वाला नॉर्थ, नॉर्थ वाले में सारे कॉन्टिनेंट्स गिनवा दो, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एंड बट ये थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर होता है टुंड्रा, टुंड्रा तो बहुत ठंडा है, वहाँ पे रेप्टाइल्स नहीं है, एम्फीबियंस नहीं है, पेड़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है भी, पेड़ आ जाते हैं, पाइन्स होते हैं, फिर्स होते हैं, ठीक है। फौना में क्या आते हैं, बर्ड्स, हॉक्स, ठीक है, साइबेरियन टाइगर, ठीक है। तो यूरोप में आ गया तो साइबेरियन टाइगर तो आएगा ही, ठीक है। वुल्स होंगे, ठीक है। वुल्स में अब आपने वैम्पायर में देखा होगा, वुल्स बड़ी ठंडी जगह पे होते हैं, ठीक है। अब ठंडी, थोड़ी सी ठंडी जगह पे होते हैं तो वो टाइगर रीजन्स में मिलेंगे, वुल्वरिन एंड वुल्स, ठीक है। तो कार्निवोरस यहाँ पे मिलेंगे, हॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो सारी जो हॉलीवुड मूवीज़ है डरावनी, वो यहीं मिलती है, वैम्पायर वगैरह वाली, ठीक है। देन इज़ अबाउट टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट क्या, सबसे पहले हमने पढ़ लिया टुंड्रा, फिर टाइगा, देन इज़ अबाउट टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। तो ये कहाँ, सेंट्रल में, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आके तो सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न एंड नदर्न अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, पूरे वाला एरिया, ठीक है, नदर्न में भी सदर्न में भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मॉडरेट से एवरेज टेम्परेचर है और अबंडेंट रेनफॉल है। तो रेनफॉल अच्छी है तो क्या होगा, ओक होगा, मेपल होगा, जैसे मेपल सिरप आपने देखा होगा ना, ये बहुत ये डाइटिंग वाली वीडियोस में, हाँ आप मेपल सिरप लगा के इसको खाइए, आपकी अच्छी डाइटिंग होगी, तो वो मेपल सिरप यहाँ मिलता है। आपने चाइना, जापान, ये वाली बहुत सारे ये ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं। तो मोस्ट एनिमल्स आर फैमिलियर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। फैमिलियर है मतलब जो आसपास मिल जाते हैं यूजुअली, तो उस तरीके के हैं। तो यार यहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चरल एरियाज भी होता है, ठीक है। देन इज अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर है, बहुत सारा बारिश है, हमें 7th क्लास से पता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 7% ऑफ अर्थ सर्फेस कवर कर रहे हैं और 40% ऑफ वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपने अंदर समा के रखा है उन्होंने, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स एंड एपीफाइटिक प्लांट्स आर कंसंट्रेटेड इन कैनोपी और फ्री टॉप जोन्स। एपीफाइटिक प्लांट्स बता दिया, जो एक प्लांट दूसरे प्लांट पर फीड करता है। ट्रॉपिकल ट्री टॉप जोन्स हैं वहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक मतलब हमने क्या था, मल्टी स्टोरी होते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, एक नीचे की वेजिटेशन फिर ऊपर की, क्योंकि हर जगह सोलर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। सो इसीलिए मल्टी स्टोरी होता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन इज अबाउट सवाना, ठीक है, सवाना और परेरी, जो मैंने बताया था एसपी करके पढ़ना आपने, ठीक है। तो सवाना SA, ठीक है, तो एशिया वेशिया तो आ गया, अब क्या बच गया, अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, सवाना मतलब अफ्रीका, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन उसका है।
अफ्रीका का उसे सवाना कहते हैं, ठीक है। स्कैटर्ड ट्रीज़ होंगे, ठीक है, और थॉर्नी श्रब्स होंगे अफ्रीका में, तो आप ऐसे ही इमेजिन करते हो, याद आता है। तो हाँ भाई, तीनों जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाते हैं, कैप्रिकॉन जाते हैं, इक्वेटर जाते हैं, तो गर्म तो होगा, ठीक है। तो फौना में भी क्या होगा, जीब्राज होंगे, ठीक है, तंजानिया वगैरह, ध्यान रखो कि जीब्रा होते हैं वहाँ, राइनोसोरस होंगे, ठीक है, और क्या होगी, चीता होंगे, जो नामीबिया हमने पढ़ा था ना, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट नामीबिया वाला, ठीक है, नौरा देही में लेके आएंगे उसको, तो चीता भी होंगे, हाइना होगी, मंगूज होंगे, ऐसे याद करो। देन इज अबाउट ग्रास लैंड, ग्रास लैंड मतलब कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन, ठीक है, जहाँ पे लो रेनफॉल है टेम्परेट कंडीशंस में, तो ग्रासेस होंगे, ठीक है, छोटे छोटे पौधे होंगे, ठीक है, बाइसन होएगा, एंटलॉप होएगा, ठीक है, हमने पढ़ा था बाइसन के बारे में, ठीक है, परेरी डॉग होगा, एंड यहाँ पे ये है जो परेरी वाला है, नॉर्थ अमेरिका वाला कंडीशन। देन इज अबाउट डेजर्ट्स, जहाँ पे टेम्परेचर भी कम, टेम्परेचर ज़्यादा पर ह्यूमिडिटी कम, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, मतलब कॉन्टिनेंट के बीच का पार्ट जिसे डेजर्ट बोलते हैं। डेज आर हॉट बट नाइट्स आर कोल्ड, तो फ्लोरा इज ड्रॉट रेजिस्टेंट, जैसे कैक्टस हो गया, सेग ब्रश होगा, और फौना में कौन होगा, रेप्टाइल्स, ढेर सारे रेप्टाइल्स, ठीक है। सो दिस वॉज थिंग। देन इज अबाउट एक्वेटिक जोन्स, तो मैंने बताया कि जो टेरेस्ट्रियल जोन्स होते हैं उसे तो कहते हैं बायोम्स, पर एक्वेटिक जोन्स को ये दर्जा नहीं दिया गया, उसे डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स को बोला गया है, ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या है, कैसे डिपेंड करता है, एक्वाटिक को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई कितनी सैलिनिटी है आपके पास, कितना लेवल ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है, कितना आपके वाटर का टेम्परेचर है, और कितनी डीप तक आपकी सनलाइट पेनिट्रेट करती है, उसके है बेसिस पे डिवाइड किया है। पहला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, एस्चुरीज, कोरल रीफ, मैंग्रोव, ठीक है। फ्रेश वाटर में क्या होगा, एक तो मूविंग वाटर जैसे लॉटिक वाटर बोलेंगे, और एक लेंटिक, लेंटिक मीन्स स्टेबल, ठीक है, स्टैगनेंट, ठीक है, इसलिए स्टैगनेंट में एन है, तो ये लेंटिक भी स्टैगनेंट होगा। तो लॉटिक मतलब फ्रेश वाटर जो स्प्रिंग्स में चल रहा है, रिवुलेट्स, क्रीक्स में चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है, जो खड़ा पानी जिसे मतलब बहता पानी जिसमें बदबू भी नहीं आती, उसे फ्रेश वाटर कह रहे हैं। लेंटिक वाटर मतलब खड़ा है, पूल्स में, पॉन्ड्स में, स्वाम्प्स में, दैट इज लेंटिक वाटर। तो इन दोनों में ही अलग अलग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। मैराइन इकोसिस्टम में मतलब कि हम बचपन से पढ़ते रहे, 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद मैराइन वाटर, ठीक है। सैलिनिटी 35 पार्ट्स पर थाउजेंड्स पे भी डिपेंड करती है, जिसमें से 90% सोडियम क्लोराइड है, जिससे हमारा नमक बनता है। देयर इज अबाउट एस्चुरीज, क्या होता है, जैसे कि वो रिवर है वो सी से मिलती है, तो एक रिवर माउथ बन जाता है, उसे एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे एस्चुरीज में फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स मीट ओशियन एंड टू आर मिक्स्ड बाय एक्शन ऑफ टाइड्स, तो मिलते रहते हैं। एस्चुरीज बहुत हाईली प्रोडक्टिव होती हैं, एंड नर्मदा और तापी हमारे यहाँ एस्चुरी बनाती हैं। देन इज अबाउट कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स, ठीक है। तो कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स हैं इस तरीके के एक्वाटिक इकोसिस्टम के। तो कोरल रीफ्स का बता चुकी हूँ मैं, जूज़ेंथले हमने बहुत बार करंट अफेयर्स में डिस्कस किया, जूज़ेंथले वाली जो एल्गी है उसके साथ एसोसिएटेड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, कोरल ब्लीचिंग को क्या कहते हैं, जब वो एल्गी है वो निकल के भाग जाती है वहाँ से, तो जो वाइट कलर है वो वाइट ही रहता है, ठीक है, क्योंकि जूज़ेंथले की वजह से उसमें कलर आता है कोरल रीफ्स में, तो वो चली जाएगी, तो उसे कोरल ब्लीचिंग कह देते हैं। क्यों होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है या और तरीके के पॉइजनस, क्योंकि वो एल्गी बहुत सेंसिटिव होती है, ना 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 मैं नहीं झेलूंगी ज़्यादा टेम्परेचर को, ठीक है। मैंग्रोव्स हम पढ़ चुके हैं। देन इज अबाउट बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बता चुकी हूँ, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, मतलब बायोस्फीयर मतलब रहने की जगह, जहाँ पे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जो वो हवा में भी कर सकते हैं, लैंड पे भी और पानी में भी, तो वो मिला के उसको एक बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर भाई जो एक्सट्रीम्स है वहाँ पे एबसेंट है, बट लाइफ इन बायोस्फीयर कहाँ है, अर्थ पे 2200 मीटर बिलो, ठीक है, नीचे सी के नीचे, एंड 6000 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। अब आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, तो भाई माउंट एवरेस्ट की चोटी पे कहाँ इंसान तो मुश्किल से जाता है, कहाँ उसमें प्लांट और वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो 6000 मीटर रफली अबव सी लेवल वहाँ एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर, एक्सट्रीम पोल्स पे एबसेंट है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया फंगी भी कहेंगे मालिक छोड़ दे, इतने ऊपर पहुँचाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो 8000 मीटर के बियॉन्ड मिलते तो हैं, बट वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ही होते हैं, ठीक है। डॉर्मेंट लाइफ बहुत, उनकी बहुत डॉर्मेंट लाइफ होती है, पड़े रहते हैं वहाँ एक जगह, की होस्ट तो है नहीं, या बैक्टीरिया वायरस क्या है, होस्ट के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, होस्ट तो है नहीं, पड़े रहते हैं, अगर एग्जिस्ट कर भी जाए तो वहाँ पे कोई छोड़ आया वहाँ पे बैक्टीरियाज को, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस। तो एनविस है ये एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या है, सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर और स्टेट रेशो में फंडिंग करेंगे। तो ये है भाई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की है स्कीम, 1982 से चालू है। काम क्या है, कंट्री वाइड एफर्ट्स इन एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कलेक्शन स्टोरेज रिट्रीवल थ्रू एनविस वेबसाइट्स, वेबसाइट्स हैं, एंड उससे ये काम करता है एनविस सिस्टम।
सो भाई चैप्टर वन कंप्लीट हो गया. डू टेल मी, बहुत एफर्ट लगाया है मैंने, ठीक है, खुद दोबारा पढ़ा है आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है. सो डू टेल मी कैसा लगा आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.